11 तारीख को 10:53 पे एक मोबाइल पे मेरे पास फोन आया और उसका नाम मेरे पास सेव था पहले से ही, राजेंद्र चौधरी कुलेड़ी का रहने वाला था वो व्यक्ति, उसमें मेरे पास नंबर सेव थे। तो मैंने उनका फोन उठाया, मैंने कहा वो राजेंद्र राजू का फोन है, क्या कह रहा है। तो मैंने कहा बोलिए। उसने मेरे पास, मैं आपको वीडियो ऑडियो भी सुनाऊंगा, उसने मेरे साथ अव्यवहार भाषा का इस्तेमाल किया। उसने कहा जाकिर बोल रहे हो, मैंने कहा हाँ, जाकिर एमएलए मकड़ा बोल रहे हो, हाँ बोल क्या कह रहा है, कह रहे तेरी इतनी क्या हिम्मत हो गई, तू रिचपाल मिर्जा के खिलाफ तूने अपने फेसबुक पे पोस्ट लगा दी, मैंने क्या लगा दी, तू क्या बकवास करा है, किससे बात कर रहा तू। तो उसने कहा मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरे टांगे तोड़ देंगे, तेरे मार देंगे और तेरे साथ, उसने गाली गलौज की मेरे साथ में। मैंने कहा फुकवास बंद कर, फोन रख नीचे। तो ये जिस जैसे उसने मेरे साथ में बात की, मेरे मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग है, उसका रिकॉर्डिंग सेव करके मैं और आधा पौने घंटे के अंदर हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर सीए साहब के पास रिपोर्ट दी, किस तरह से राजेंद्र चौधरी राजू नाम का व्यक्ति ने मेरे को ये धमकी दी जिसकी ऑडियो ये है। तो हमने उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी और सीआई ने कहा उसकी पेन ड्राइव के अंदर मेरे को ऑडियो दे दो, तो वो भी हमने उनको वो दे दी। तो उसको देख के फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूरे प्रदेश के अंदर बात उठी और फिर आपके मीडिया के थ्रू फर्स्ट इंडिया में, जी न्यूज में, सभी चैनलों के अंदर न्यूज भी आई कि मकड़ा विधायक को जान से मारने की धमकी मिली। ये होके पूरे प्रदेश के अंदर इसका काफी शोर शराबा हुआ और हमारे एसीसी के महासचिव रंधावा साहब का भी सुबह फोन आया और डोडासा जी का फोन आया कि डीजी के पास अपन जाके इस मामले में बात भी करेंगे। अब हुआ यूं, रिपोर्ट तो मैंने कराई, मेरे को जान से मारने की धमकी दी, हाथ पे तोड़ देंगे, गाली गलौज की, उसको लेके पुलिस प्रशासन ने उसको कल रात को 11 बजे अरेस्ट किया, वो हमें पता ही नहीं था, सुबह पता चला। 11 बजे अरेस्ट करके और उसको 12:15 बजे रात को तहसीलदार मकड़ा जो एक लेडीज है उसके वहां उसके घर जाके उसका दरवाजा खटखटाते जिस तरह से मुझे तहसीलदार ने कहा, वो मकड़ा शेय मेरे से पहले झूठ बोला, वो मैं अभी बात ही बताता हूँ। तो तहसीलदार ने मुझे कहा, मैंने पूछा तहसीलदार पौनी बारह जी उसकी जमान तहसीलदार ने ली, तो फिर मैंने ये तो बाद में पता चला मेरे को, तो मैंने फोन किया सुबह सीआई साहब को, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ नागौर सॉरी रिजवाना एसपी साहब से कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो सीआई साहब ने बोला मेरे को कि इसमें कार्रवाई हमने कर दी, कल अरेस्ट कर दिया और अभी इसको 151 के अंदर इसको हम पाबंद के लिए एसडीएम साहब के पास भेज रहे हैं। तो मैंने सीआई को बोला, मैंने कहा आप 151 में इसको कैसे पाबंद किया, इसने मेरे को जानलेवा हमला करना, टांगे तोड़ना, जो ऑडियो आपको दी, कितनी बुरी बुरी गालियां निकाली है, और ऐसे मुलजिम को आप इस तरह से छोड़ देंगे, एक मैं मकड़ा का विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, 3.25 लाख वोटरों ने मुझे चुना है और इस तरह से इनके हौसले इतने बुलंद है, मेरे देश को धमकी दे रहे हैं, जो आम आदमी क्या होगा। तो शेर ने बोला ठीक है मैं भी बात करके रुकवाता हूँ। तो फिर मैंने किसी सिविल आदमी को भेजा थाने में, वही देख के वो थाने में वो है नहीं है, तो वहां से पता चला कि वो तो थाने में पहले आया और गया हुआ, रात को उसको पेश कर दिया और जमान ले भी। मैंने तहसीलदार को फोन किया तो तहसीलदार ने यही कहा मेरे को कि रात को 12:15 बजे मेरे पास पुलिस वाले आए, मैं घबरा भी बैठ, तो तहसीलदार की रात को मेरे पास कौन आ गया, तो उसकी अथवा जमानत ले ली गई और थाना पुलिस प्रशासन ने हम सबसे झूठ बोला। तो इसलिए मैं कलेक्टर साहब और एसपी साहब को मैं कहने आया हूँ कि ऐसे मुलजिम जो एक जनप्रतिनिधि को खुलेआम गालियां काटना पीटने की बात करते हैं और ऐसे मुलजिमों का एक सवाल पाबंद कर दिया, अगर आप इसको परसों दोपहर तक अरेस्ट नहीं करते हैं और उसको जेसी नहीं करते हैं तो हम इसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन करेंगे और शुक्रवार को परसों दोपहर बाद में हजारों की तादाद में ज्ञापन देंगे। इस तरह से जो मुलजिम के हौसले बुलंद है और साफ आता है इसके पीछे साफ साफ बीजेपी वालों का ये रोल है। ये राजू चौधरी ज्योति मिर्जा के साथ मेरे पास कई बार मेरे साथ मिला हुआ था
और जब मैं अभी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ तो ज्योतिबा साथ उसका बड़ा होर्डिंग भी लगा हुआ है। तो ऐसे मतलब प्रदेश की हालत ऐसे हो गई है पिछले ये जब से सरकार बनी है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक मेरे को सीधा फोन करना, मेरे पास ओडी होने के बाद के अंदर भी मैंने ये सूचना डीजीपी को आईजी को एसपी को देने के बाद में भी एक पुलिस थाना उसको पौन घंटे के अंदर छोड़ देता है। इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं होगी हमारे जिले के लिए, प्रदेश के लिए। आज दो तीन दिन हो गए मेरे जितने टेलीफोन आ रहे, मैं परेशान हो गया। आम आदमी मेरी चिंता जता रहा कि एमएलए साहब आपको ऐसी धमकी दे दी तो हमारा क्या होगा, और मैंने इसमें क्या गलत रिचपाल जी मिर्जा के खिलाफ कोई गलत पोस्ट क्या कर दी। मैं नागौर जिला का 8 साल से जिला अध्यक्ष हूं कांग्रेस का, और मैंने वही पोस्ट की जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी ट्वीट किया कि जो बाबा नाथुराम जी बाबा जो हमेशा बीजेपी के कमल के फूल को सर्वनाशी का फूल कहा करते थे, और जिन्होंने ये हमेशा बोले, और इन्होंने भी बोला कि किसान विरोधी पार्टी है बीजेपी, तो उस पार्टी को आज ये शपथ लेके या ज्वाइन करके किसानों के हितों के साथ ये विश्वासघात हुआ है। तो ये पोस्ट आम आदमी राजनीति के अंदर मैंने जिला अध्यक्ष लाने तक किया तो गलत किया नहीं, इसको लेके वो राजू चौधरी ने मुझे धमकी भरी ये बात कही। मैं तो इन मिर्जाओं को ये कहना चाहता हूँ, इसको लेके वो राजू चौधरी ने मुझे धमकी भरी ये बात कही। मैं तो इन मिर्जाओं को ये कहना चाहता हूँ, आप कहते हो कि ज्योति मिर्जा सांसद बनी किसानों की वजह से, रिचपाल जी मिर्जा 4 बार सांसद बने, एमएलए बने 4 बार, विजयपाल मिर्जा 1 बार एमएलए बने, आप सब लोग कांग्रेस के खाते में के एमएलए बने। जब आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे तो वहां पे बीजेपी वाले ये कह रहे थे, अब आपके सामने देखो हमारे साथ में रिचपाल मिर्जा 4 बार कांग्रेस एमएलए रहे, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे, विजयपाल मिर्जा बीजेपी ज्वाइन कर रहे 1 बार एमएलए रहे, लालचंद जी कटारिया जो केंद्र के अंदर मंत्री रहे और राज्य में मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं बीजेपी वालों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उपलब्धियां या ये मिर्जाओं को कहना चाहता हूँ, आपकी जो चावड़ एमएलए या सांसद बनना या विधायक बनना या कटारिया जी एमपी बनना कांग्रेस की देन की वजह से आप यहाँ तक पहुंचे। आपका जो मान सम्मान बीजेपी वालों ने किया है कांग्रेस की बदौलत किया है, क्योंकि कांग्रेस ने आपको सांसद बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया और वो उपलब्धियां वहां गिना के आपको ज्वाइनिंग की है। तो आप किसानों के साथ में विश्वासघात कर रहे हो, और मैं फिर से यही बात दोहराना चाहता हूँ कि जो नाथुराम जी मिर्जा हमेशा नागौर जिलों में किसानों के हित की बात कही, अल्पसंख्यक की बात करते थे, एससी एसटी की बात करते थे, आप ऐसी पार्टी को ज्वाइन करके हम सब किसानों के मतलब विश्वासघात किया है। तो ये बात होके हमने इस बात को ये हमने रखी थी, तो इसके लिए मैं आपसे ये कहने आया हूँ। एसपी डीडवाना और डीडवाना कलेक्टर से मिल गया हूँ, शुक्रवार को अगर ये राजू चौधरी को अरेस्ट नहीं करते हैं तो ये प्रदेश लेवल के अंदर भी इसके धरने प्रदर्शन होंगे, और मकराना में हम लोग शुक्रवार को इसका धरना प्रदर्शन हम इसको जरूर करेंगे। बीजेपी का राज बनाना ये बदमाशों के गुंडों के माफियाओं के हौसले बुलंद है। जब चुनाव विधानसभा का चल रहा था, 25 तारीख को दिसंबर को पोलिंग होना था, 24 तारीख रात को भी मेरे साथ में 25-30 गाड़ियों के साथ हमले हुए थे, वो गाड़ियों कांच टूट गए थे, जानलेवा हमला मेरे साथ हुआ था। ये लक्ष्मण सिंह जी जो हमारे कार्यकर्ता थे, ये इन लोगों ने आके मुझे बचाया था, और उसको लेके इनके 9 टांके सिर में लगे, और वो थाने में रिपोर्ट हमने चुनाव के दूसरे दिन करवा दी गई थी। सेम डे रिपोर्ट इसलिए नहीं कर रही थी, मैंने कहा अगले दिन चुनाव है, ये रूप पता नहीं किस रूप में कितना चला जाए, चुनाव हमारा बिगड़ने जाए, क्योंकि बीजेपी वालों को पता था वहाँ पे मकराना में कि यहाँ पे कांग्रेस की सीट जीत रही है, तो मेरे से जान लेवा हमला करना चाहते थे, मुझे जान से मारना चाहते थे। मैं तो मेरी सदबुद्धि से गाड़ी से नीचे नहीं उतरा। ये एक व्यक्ति रशीद चौधरी नाम का उतरा था,
उसके साथ उनकी कार सुनी और मेरी गाड़ी की चारों तरफ मुंह बांध बांध के वो घूम रहे थे, जिसका भी मेरे पास वीडियो है, मैंने थाने में दी है। वो इलेक्शन मशीन ने अपनी मेहनत करके लोगों गांव वालों बुला रास्ता खुलवाया, वह एक खिजली का डंडा पड़ा था हटा के, इस तरह से मेरी जान बची। उस मामले में भी आज 3 महीने हो गए, उन मुलजिमों को ना तो अरेस्ट किया गया और ना उनको कोई भी बुलाया गया, ना कि 151 केंद्र भी उनको पाबंद किया गया। उसके पहले अभी 1 महीने पहले पंचायत समिति की सदन सभा मीटिंग थी, उसमें भी पुलिस वाले के साथ में कांग्रेस के कार्य सरपंच बीजेपी के सरपंच में आपस में मतभेद हो गया था, उसको लेके पुलिस ने बीच बचाव किया, तो पुलिस के साथ भी इन लोगों ने मारपीट की, धक्का मुक्की की, उसके अंदर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका भी वीडियो फुटेज पंचायत समिति के अंदर वो है। हालांकि पुलिस ने उसको 186 धारा होती है उसके अंदर रबड़ डाल रखी है, लेकिन इस तरह से बार बार मेरे साथ में ये हमला होना बहुत चिंता का विषय है, इसलिए सारी बातें हम कलेक्टर एसपी को अभी बोल के हैं। धन्यवाद।